दोस्तों मेगालोडॉन इस धरती के इतिहास का सबसे बड़ा और खतरनाक सांप की प्रजाति है। वहीं दूसरी तरफ टाइटानोबा इस धरती के इतिहास का सबसे विशाल सांप की प्रजाति है। मेगालोडॉन के बारे में वैज्ञानिकों को तब पता चला जब एक खोज के दौरान उन्हें एक 7 इंच लंबे दांत का जीवाश्म मिला। बाद में जब इस दांत की मदद से मेगालोडॉन के जॉ का स्ट्रक्चर बनाया गया तो यह दिखने में बहुत ही बड़ा और भयानक लग रहा था। इसका साइज इतना बड़ा था कि इसके अंदर 3 लोग बड़ी ही आसानी से फिट बैठ सकते थे। ठीक उसी तरह टाइटानोबा के जीवाश्म भी साल 2009 में कोलंबिया के कोल माइन में काम कर रहे कुछ वर्कर्स को मिला था। वैज्ञानिकों ने जमीन के अंदर से 42 फुट लंबा एक सांप का जीवाश्म खोज निकाला था। सभी लोग इसे देखकर हैरान हो गए थे। हमारे धरती पर इतने विशाल आकार के सांप भी रहा करते थे। मेगालोडॉन आज से करीब 2.5 करोड़ साल पहले इस धरती पर रहा करते थे और करीब 20 लाख साल पहले मेगालोडॉन इस धरती से पूरी तरह से विलुप्त हो गए थे। दूसरी तरफ टाइटानोबा आज से करीब 6 करोड़ साल पहले इस धरती पर रहा करते थे और मेगालोडॉन के अस्तित्व में आने से पहले ही टाइटानोबा इस धरती से विलुप्त हो चुके थे। इसका मतलब ये है कि इन दोनों विशाल जीवों के बीच कभी भी लड़ाई नहीं हुई थी। लेकिन तब क्या होता अगर ये दोनों जीव आज भी जिंदा होते और इनके बीच लड़ाई होती? आपको क्या लगता है, क्या टाइटानोबा इस धरती के सबसे बड़े शार्क को मार गिराने में कामयाब होता? अपना जवाब कमेंट जरूर करें। मेगालोडॉन के सिर्फ दांत का साइज ही 7 इंच का था और ये अपने जबड़ों से करीब 10 से 18 हजार किलो तक के प्रेशर से काट सकता था। इतना प्रेशर किसी लोहे को भी बड़े ही आसानी से टुकड़ों में बदल सकता है। मेगालोडॉन की बॉडी भी वर्तमान के ग्रेट व्हाइट शार्क की तरह ही हुआ करता था जिससे यह बेहद तेज गति से पानी में तैर सकता था। मेगालोडॉन करीब 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समंदर में तैर सकता था। मेगालोडॉन के बारे में सबसे भयानक बात यह है कि यह अपने शिकार को नीचे से नहीं बल्कि साइड से अगर पकड़ लेता था जिससे इनके शिकार का बचना नामुमकिन था। दूसरी तरफ टाइटानोबा दिखने में आज के एनाकोंडा जैसा ही था लेकिन साइज के मामले में ये एनाकोंडा से विशाल आकार के थे। आज के एनाकोंडा की तरह ही टाइटानोबा भी अपने शिकार को बॉडी से लपेट लेता था और उसकी हड्डियों को तोड़कर उसे पूरा ही निगल जाता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइटानोबा ज्यादातर समय पानी के अंदर ही रहना पसंद करता था लेकिन इनकी तैरने की स्पीड सिर्फ 20 किलोमीटर प्रति घंटा की थी जो कि मेगालोडॉन की तुलना में काफी कम है। इसका मतलब ये है कि रफ्तार के मामले में मेगालोडॉन टाइटानोबा से काफी आगे है। टाइटानोबा बड़े बड़े टर्टल्स और क्रोकोडाइल को अपना शिकार बनाता था। अब सवाल ये है कि अगर टाइटानोबा विशाल आकार के मगरमच्छों का शिकार कर सकता था तो मेगालोडॉन को क्यों नहीं मार सकता? अगर टाइटानोबा मेगालोडॉन को मारना चाहेगा तो सबसे पहले उसे मेगालोडॉन को किसी तरह अपने बॉडी से पूरी तरह से लपेटना पड़ेगा क्योंकि टाइटानोबा भी आखिर एक सांप ही था और बाकी सांपों की तरह उसे भी मेगालोडॉन को दम घोटकर ही मारना पड़ता। लेकिन टाइटानोबा के लिए मेगालोडॉन की बॉडी को पूरी तरह से जकड़ लेना नामुमकिन था क्योंकि मेगालोडॉन का साइज 75 से 100 फीट का था लेकिन टाइटानोबा की लंबाई 40 से 60 फीट की थी। इसके अलावा मेगालोडॉन के शरीर का साइज भी काफी मोटा था और वजन के मामले में भी मेगालोडॉन टाइटानोबा से 8 गुना भारी था। इसका मतलब ये है कि अगर टाइटानोबा किसी तरह से मेगालोडॉन को लपेट भी लेता तब भी वो उसे नहीं मार सकता था क्योंकि मेगालोडॉन के लिए टाइटानोबा के पकड़ से छूटना कोई मुश्किल काम नहीं था। इस लड़ाई की बात करें तो इसमें टाइटानोबा का विशाल साइज इसके लिए और भी मुश्किल खड़ी कर देता क्योंकि टाइटानोबा बहुत ही लंबे होते थे जिसकी वजह से मेगालोडॉन के लिए इनका शिकार करना बहुत ही आसान हो जाता क्योंकि मेगालोडॉन टाइटानोबा को कहीं से भी आकर पकड़ सकता था और टाइटानोबा इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेगालोडॉन करीब 18,000 किलो के प्रेशर से काटता है। इसका मतलब यह है कि अगर मेगालोडॉन टाइटानोबा को अपने जबड़ों में पकड़ लेता तो कुछ ही समय के अंदर ही वो उसके टुकड़े कर देता। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि टाइटानोबा को खाने के बाद भी मेगालोडॉन का पेट नहीं भरता। तो इन सभी बातों से तो यही साबित होता है कि मेगालोडॉन के सामने टाइटानोबा के टिकने का कोई भी चांस नहीं था और मेगालोडॉन इस बैटल को बड़ी ही आसानी से जीत जाता। आपको क्या लगता है, इस युद्ध में कौन जीतता? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे एक लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।